पंजाब दी हद ते बसया 300 साल पुराना सब तो सोना अजिहा पिंड जो अज भी करता विदेशां नूं फेल। मैं तुहानूं अज अजिही जबरदस्त जगह ते लैके आया, तुसीं देख के हैरान हो जाओगे कि वाकई ये एक पिंड आ। तुसीं कोठियां दी डिजाइनिंग देखो जिहड़ी अजकल वड्डे वड्डे कारीगर भी इस तरह की डिजाइनिंग नहीं कर सकते। इंज लगता जिदा ये कोई विदेश का कोई वड्डा शहर दे विच ये घर हुंदे आ। देखो क्या डिजाइनिंग आ घरां दी, कोई नहीं कह सकता कि ये एक पंजाब की हद के उत्ते हिमाचल का एक पिंड आ। आई लव परागपुर, इन्ना प्यारा बनया होया एक पिंड आ जिन्हों सरकार वालों हैरीटेज का दर्जा भी दिता गया आ। तुसी सामने नज़र मारो आले दुआले मकान ते गब्बे तालाब जिहड़ा बहुत वधिया एक व्यू दे रहा आ। जो इत्थे दे स्थानी लोग आ सवेरे शाम इत्थे इशनान करते आ। हुण आ सामने देखो तकरीबन जिन्नियां भी दीवारां आ सब कच्चियां आ, तो इन्हां दे अंदर तुसी नज़र मारोगे तुहानू बहुत वड्डियां वड्डियां कोठियां नज़र आउणगियां। तुसी सामने बिल्कुल देखो कोठी, तुसी ये चीज़ सोच के हैरान हो जाओगे कि 300 साल पहला इन्ना पैसा खर्च किया गया इन्हां कोठियां ते। इन्हां दे तुसी दरवाजे देखोगे, खिड़कियां देखोगे, टोटली सागवान वरती गई आ। बहुत प्यारी डिजाइनिंग आ जिहड़ी बहुत सोहनी लगती आ। आले दुआले बेड़े जिन्ने भी दरवाजे आ लोगों के उन्हां दे सामने दूसरे का बेड़ा आ जिहड़ा बहुत वधिया लगता आ। एक पुराने तुसी ला लो कि समय की झलक दवाउंदा आ। हुण इधर नज़र मारो, इधर भी किन्नी प्यारी डिजाइनिंग आ खिड़कियां दी दरवाजियां दी। टोटली जिन्नियां भी कोठियां आ इत्थे सब सागवान दे नाल तैयार कीतियां गईयां आ। उन्हां दे दरवाजे वगैरह खिड़कियां ते जिहड़ियां इट्टां आ तुसी देखोगे बहुत पुराने टाइम च छोटियां छोटियां हुंदियां सी उह वरतियां गईयां आ। हुण आ सामने देख लो तुसी, हुण आ कोठी वल नज़र मारो किन्नी प्यारी डिजाइनिंग आ। इहदे मूहरे एक तरह आ बरांडा बनया होया आ जिहदे उत्ते डिजाइनिंग बयान नहीं की जा सकती। इसे तरह आले दुआले जिन्नियां भी आ कोठियां बनिया हुई सब पुराने स्टाइल दियां आ। हुण असीं पिंड दे दूसरे पासे जा रहे हां, तुसीं आ देख लो किन्नी हरैली हरैली आ बरसात करके। बिल्कुल सामने देख लो आ कोठियां बहुत पुरानियां बनिया हुई आ। तुहानूं परागपुर दे विच जिन्नियां भी कोठियां मिलणगियां उहदे विच जिन्ना भी फर्नीचर तैयार किया गया आ सारा सागवान दा आ। बहुत पैसा खर्च किया गया आ अज तो 200-300 साल पहला। तुसी हुण आ देख लो लोगों के इधर खेत वा तकरीबन ते उहनां दे विच कोठियां पाईयां हुईयां बहुत वड्डियां वड्डियां जिदां सानूं फॉरन दे विच मिलदियां आ। उस टाइप दे नाल इह कोठियां आ जिहड़ियां बहुत वधिया लगदियां पईयां, एक बहुत जबरदस्त व्यू दे रहीयां आ। तुसी हुण आ सामने देख लो मकान, बहुत वड्डे वड्डे मकान आ लोगों के सामने, वो खेती करते आ ते काफ़ी खुले डुले मकान आ। हुण आ देख लो किसी ने अपना सामने बीजा होया आ। इस तरह तुसी जिन्ने भी कोठियां देखोगे आले दुआले नज़र मारोगे तुहानूं हर कोठी के मूहरे खेत मिलणगे। किसी पास्यों भी देखना होवे तां इह पिंड इक फोरन नालों घट नहीं जिदा का इत्थे लोगों का रहना सहना आ। कोठियां बनिया हुई इन्ना पैसा खर्च किया होया आ। तुसीं सोचो कि ये किन्ने वधिया एनवायरमेंट विच रह रहे आ, कोई शोर शराबा नहीं है आले दुआले, बिल्कुल शांति आ ते बिल्कुल अलग रह रहे कोठियां दे विच ते नालों नाल खेती कर रहे आ जिहड़ा सानूं बहुत वधिया लग्या आ। तुसीं देखो आले दुआले आ सामने होर कोठियां आ रहियां आ, ये भी बहुत पुरानियां कोठियां आ। ते आ मंदिर आ जिहड़ा कि बहुत पुराना आ जो स्थानी लोग कहिंदे आ। आ बाजार आ इत्थे दा, तुसीं ये देखो पिंड दे विच बहुत वड्डा बाजार आ। इंज लगता जिदा कोई ये शहर हुंदा आ हिमाचल का, इन्ना तरक्की कर चुकिया है ये पिंड जिहड़ा पंजाब दे सिर्फ बार्डर दे उत्ते आ। बाजार भी एडा वड्डा आ कि मुक्कण का नाँ नहीं लैंदा, हर कोई चीज़ तुहानूं इस पिंड विच मिल जाएगी। तुसीं आ डिजाइनिंग देखो दुकानां दी किन्नी पुरानी ते प्यारी डिजाइनिंग आ जिहड़ी सोहणी लगदी आ। कई बहुत पुरानियां दुकानां बंद हो चुकियां आ। तुसीं जे इस बाजार दे विच आउंदे आ तां तुहानूं बहुत वधिया लगेगा क्योंकि कई बहुत पुरानियां पुरानियां इस तरह दियां दुकानां जिन्हां दी डिजाइनिंग देख के असीं भी हैरान हो गए आ, जिहड़ी बहुत वधिया ते सोहणी लगदी आ। हुण आ सामने देखो कोठियां बहुत वड्डियां वड्डियां आ रहियां आ जिहड़ियां देखण नूं बहुत सोहणियां ते वधिया लगदियां आ। तुसीं हुण सामने नज़र मारो चार दुआरी किड्डी वड्डी आ ते इहदे विच देखो आ मकान बनया होया आ। इहदियां जिहड़ियां खिड़कियां आ
ਇਹ 12-13 ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਲੁਹਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਦਾਤੀਆਂ ਰੰਬੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਿਲ ਹੀ ਆ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨ 1997 ਮੇਂ ਦੋ ਗਾਓਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਥਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਯੁਕਤ ਐਵਂ ਸਚਿਵ ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੇ ਯੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁਆ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਕੋ ਦਰੋਰ ਗਾਓਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਸਵ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਗਪੁਰ ਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰਲੀ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆ? ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਕੀ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ 200-300 ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।